दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास प्लस वन यूनिट सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बोहस मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस डिस्कस की थी। फर्स्ट लिमिटेशन की क्या थी कि बोहर मॉडल में क्या था, सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। लेकिन फिर क्या था, जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या बताया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया कि मैटर का वेव नेचर भी हो सकता है और ड्यूल नेचर दोनों टाइप की हो सकते हैं कोई भी मैटर। तो क्या बताया, ही गिव्स द आइडिया दैट मूविंग पार्टिकल्स हैव ड्यूल नेचर एंड वेव एसोसिएटेड विद द मैटर इज नोन एज मैटर वेव्स। की जो कोई भी मैटर है और वो क्या होना चाहिए, मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। मतलब पार्टिकल और वेव नेचर क्या है, एक ही कॉइन की दो साइड्स की। लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ एक साइड दिखाई देती है कि अगर जैसे कोई कार मूव कर रही है तो हमें लगेगा कि क्या है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। लेकिन पार्टिकल नेचर सिर्फ हम देख पा रहे हैं, बट उसके अंदर क्या कौन सा नेचर भी होता है, वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। बस ये है डिफरेंस कि वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एसोसिएटेड होते हैं। तो डी ब्रोगली ने यही बताया कि मूविंग पार्टिकल्स होती है वो ड्यूल नेचर की होती है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। तो उस मूविंग पार्टिकल के साथ या उस मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। कि जो वेव किसी मैटर के साथ एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी मैटर की वेव, उसे क्या बोलेंगे हम, मैटर वेव बोलेंगे। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब यहां से करते हैं डेरिवेशन, ये डेराइव कैसे हुआ। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, दो इक्वेशन यूज की, आइंस्टीन और प्लैंक थ्योरी दोनों। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने क्या दी थी, एनर्जी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और प्लैंक्स ने क्या थ्योरी दी थी कि जो एनर्जी है कोई भी उसकी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू या फिर एच अपॉन एच इंटू में न्यू। तो इन दोनों इक्वेशन से रिलेट करके डी ब्रोगली ने क्या इक्वेशन बनाई, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहां से ये कैंसिल, तो एम सी क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा क्या आ गई, एच अपॉन एम सी। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बट अगर हम कोई अदर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, अदर ऑब्जेक्ट है लाइट को छोड़ के, तो क्या होगा, मतलब सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को छोड़ के अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई और मूविंग पार्टिकल ले रहे हैं, तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इससे हम इस सी की प्लेस पे क्या कर देते हैं, वी लगा देते हैं। तो यहां से क्या इक्वेशन हो गई, एच अपॉन एम वी। क्या है, कोई भी आपका क्या है, मूविंग पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी। एम क्या है, मूविंग पार्टिकल का मास। और लैम्डा क्या है, वेव। तो हमने यहाँ पे दो तरह की वेव डिस्कस की है। इसके अंदर मैटर वेव यूज हुई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद आता है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वैरी कैसे करती है, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि मैटर वेव्स में क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कोई भी फील्ड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ा था कि वो वेव्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करती है, मूव करती है। मतलब सी क्या होती है, उनकी वेलोसिटी होती है। लेकिन जो मैटर वेव्स है, मैटर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी मूविंग पार्टिकल हो सकता है आपका, तो वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैटर वेव्स। कि डिफरेंट मैटर है तो उसके अंदर डिफरेंट मैटर वेव्स होंगी और वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। तो यहां से जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। लेकिन जो मैटर वेव्स है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, एच अपॉन एम। तो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के अंदर डिफरेंस। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv2। तो अब हम इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिखें, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv2। दोनों तरफ से अगर हम 2m से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसे कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। तो यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो इधर क्या आया हमारा 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या हुआ m square हो गया इंटू में v square। तो हम इसको mv का होल स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा इसके ऊपर। अब हम इसका अगर अंडर रूट ले तो इस तरफ भी हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई, mv इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहां पुट करें डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर, डी ब्रोगली इक्वेशन ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। तो एमवी की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिफरेंस रिलेशन आ जाएगा क्या, कि जो वेवलेंथ होती है वो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपने यहां से एक चीज और देखी है कि वेवलेंथ मास के लिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपका कोई मूविंग पार्टिकल बहुत क्या है, बड़े मास का है, उसका मास क्या है बहुत लार्ज है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत मिनिमम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और जो मास है वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे एक तरफ क्या ले, इलेक्ट्रॉन ले लें और एक तरफ हम कोई भी कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी बजाय जो हमने कोई अदर ऑब्जेक्ट लिया है जो इलेक्ट्रॉन से मास में क्या है, बड़ा है। तो इसके वेवलेंथ और मास भी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आपका बिग ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी। और ऐसे ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ है कि वेव जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि डी ब्रोगली ने कैसे बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपकी क्वांटाइज होनी चाहिए। जैसे बोहर मॉडल ने क्या बताया था कि mvr है जो वो मल्टीपल होना चाहिए, mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। उसने ये चीज बता तो दी थी बट वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया। तो इस चीज का प्रूफ डी ब्रोगली ने दिया कैसे, उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, वेव नेचर भी है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया कि वो एज ए वेव क्या कर रहा है, न्यूक्लियर के चारों तरफ एज ए वेव रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, जो वेव है वो इन फेज हो, मतलब क्रस्ट और ड्रफ क्या करे, एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली क्या करे, मूव करे। तो क्या हो कि अगर जो ये वेव है उसके दोनों एंड, जैसे हमने ये वेव यहां से बनानी शुरू, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे 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 इस तरीके से जा रहा है। तो अगर क्या हो, इन दोनों वेव्स के एंड पॉइंट्स वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, तो उस वेव को हम क्या बोलेंगे कि वो इन फेज वेव है। लेकिन अगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का तो है बट वो क्या करे, ऐसे जो वेव्स की क्रस्ट और ट्रफ है वो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर ना हो, मतलब उनके जो एंड्स हैं, जैसे इस वेव का एंड ये है और इस वाली वेव का एंड ये है, वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट उनके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हमारी वेव को कि इस तरीके से नेक्स्ट दूसरी तरीके से वेव शुरू हो जाएगी, तो ये हमारी आउट ऑफ फेज अरेंजमेंट हो जाएगी वेव्स की। तो इसलिए क्या है कि जो अगर वेव को क्या है, इन फेज के अंदर रहना है, वेव हमेशा क्या कहती है कि इन फेज के अंदर ही रहे वो, ये है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वेव को इन फेज के अंदर रहना है तो उसे क्या होनी चाहिए, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, वेव इलेक्ट्रॉन को माना है और कुछ सर्कमफ्रेंस भी होगी, मतलब हमने वेव को दिखाया ऐसे है बट वो मूवमेंट तो ऐसे ही होगी। तो क्या होनी चाहिए, उसकी सर्कमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, कि जो वेव की वेवलेंथ है उसकी जो सर्कमफ्रेंस बन रही है, क्योंकि वो एक सर्कल की तरह बन रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर जो सराउंड कर रहा है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, तब वो वेव क्या कहलाएगी कि वो इन फेज है। तो यहां से देखा हमने कि 2πr क्या होती है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, वो किसके इक्वल हुई, n इंटू में लैम्डा की, n आपका क्या हो सकता है 1, 2, 3 समथिंग कुछ भी। तो यहां से हमारी वेवलेंथ
क्या आ गई 2 पाई आर अपॉन एन, एन को हम इस साइड ले गए तो क्या आ गई 2 पाई आर अपॉन एन। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। तो डी ब्रोगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या है एच अपॉन एम वी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो हमारे पास एच अपॉन एम वी है वो इसके इक्वल आ रहा है 2 पाई आर अपॉन एन के। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी। तो यहां से देखो अगर ये एम वी इस तरफ चला जाए एम वी आर, एच किधर रह गया एन इस तरफ आ गया और ये 2 पाई भी इस तरफ आके डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई जो यहाँ है सेम इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से डी ब्रोगली ने ऐसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का क्या है जो वेव नेचर है उसके थ्रू डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है एन एच अपॉन सॉरी एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से क्या हुई एंगुलर मोमेंटम प्रूव हो गई। जो डी ब्रोगली जो बोहर मॉडल की लिमिटेशन थी उसको डी ब्रोगली ने क्या किया करेक्ट किया। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, इस इक्वेशन की भी क्या थी कुछ लिमिटेशन थी कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो क्या था कि क्या है जो ये इक्वेशन थी एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ये हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है एप्लीकेबल है चाहे उसका मास ज्यादा हो या फिर उसका मास क्या हो कम हो। बट इन एक्चुअल देखा गया जब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैवी ऑब्जेक्ट्स के साथ और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के साथ तो क्या देखा हमने कि जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्या है ये इक्वेशन क्या हो रही है एप्लीकेबल हो रही है। जैसे क्या किया इलेक्ट्रॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और दूसरा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ले लिया जो बहुत हैवी था कि बहुत हैवी बॉल ले ली जिसका जो मास था वो लगा लो 10 kg था तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। अगर किसी का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जब मेजर की तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी उसकी रेंज के अंदर थी। बट जो मूविंग ऑब्जेक्ट था जो माइक्रोस्कोपिक था मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा था 10 kg था जब उसके मास की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट आ रही थी क्योंकि ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज के विदिन भी नहीं आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ से प्रूव हुआ कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या है ये लिमिटेशन है कि क्या वो सिर्फ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर ही क्या है एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। नोटिफिक